सो गाइस आ गए हम मिल्टा बेस में। दोस्तों मिल्टा बेस में उतरते हैं, यहाँ पर उतरते ही हमें कुछ नहीं मिलता तो इसलिए हम जाते हैं आगे। हम सोचते हैं यहाँ पर कुछ मिलेगा बट यहाँ पर भी कुछ नहीं मिलता। चलते और यहाँ चलते, यहाँ पर हम समझते तो कुछ मिल जाएगा पर कुछ नहीं मिलता तो हम यहाँ से निकलते फिलहाल। तो वैसे मिल्टा बेस में काफ़ी बंद उतरते पर अभी कुछ कोई भी नहीं है। तो हम जा रहे हैं आगे, ना कंटेनर में है कोई भी गन, हमारे पास फिलहाल अभी एक भी गन नहीं है। हम क्या करते हैं, इधर जाते हैं इस वाले घर में, यहाँ पर हमें मिलती है शॉट गन जो कि काफ़ी हेल्पफुल रहेगी हमारे लिए। इसे उठाते हैं, यहाँ पर आगे बैग मिलता है हमें। तो हम जैसे आगे जाते हैं पीछे से कोई फायरिंग करता है तो देखते हैं हम कौन है। तो यहाँ हम बंदा थोड़ा सा दिख गया था बट हम चलते थोड़ा ये दिख गया हमें, देख सकते हैं। इसको भी निपटा दिया, पहल दिया अच्छे से, इसको पूरा ख़त्म करते पहले तो फिर चलते आगे। तो इसको तो कर देते पूरा ख़त्म, ख़त्म नहीं हो रहा यार, बड़ा हरामी था बंदा। चलो इसके पास से हमें मिल जाती स्कारेल, स्कारेल मिल गई, उसकी शर्ट भी ले लेते हैं। तो इससे मिल गया हमें स्कारेल, चलते हैं दूसरे गोडाउन में, वहाँ पर कुछ मिलता है हमें। तो यहाँ पर भी हमें इसकी कुछ एमओ मिलती है, शॉटगन की एमओ उठा लेते हैं हम। यहाँ पर मिलते हैं हमें मोली वगैरह, यहाँ पर AKM मिलते पर हम इसे नहीं उठाते, ठीक है, मन तो करता है हमारा पन्नी उठाते। तो चलते अब उस, यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर तो कुछ नहीं है, चलते अब उस वाले बड़े घर में ही चलेंगे। अब यहाँ से थोड़ी लूट लाट करके यहाँ से थोड़ा लूट लेते हैं, कुछ नहीं है इधर लूटने को। तो हम चलते उस वाले बड़े घर में ही चलेंगे। हमारे स्क्वाड के जितने बंदे सब ना जाने कहाँ गए साले। तो हम इस वाले घर में जा रहे हैं अभी। इस वाले घर में जा रहे हैं हम, यहाँ हम डायरेक्ट ऊपर चढ़ते हैं ताकि कोई अगर बंदा हो तो हमें मार ना पाए। वैसे तो इस घर में एक भी बंदा नहीं था। तो हम यहाँ से ग्रेनेड उठाते हैं, स्कोप वगैरह वगैरह उठाते चीज़ें, हमारे पास लूट भी काफ़ी कम है। तो हम फिलहाल तो सब चीज़ें लूट लेते हैं फिलहाल तो यहाँ से, उसके बाद चलते हैं आगे। तो यहाँ से हम चीज़ें उठाते हैं। तो हमारे पास इतनी लूट हो चुकी है कि हम आसानी से कुछ बंदे पहल सके। तो हम यहाँ पर आगे जाते हैं, यहाँ पर भी हमें कुछ नहीं मिलता, क्रोबार मिलता है, बाकी इधर मुझे दिख जाती है शॉट गन। तो इसकी एमओ हमें काफ़ी चाहिए भैया, तो इसकी एमओ उठा लेते हैं हम। इसकी एमओ उठा ली हमने, अब कुछ नहीं दिखता हमें इधर। तो हम नीचे जाते हैं, तो नीचे जाना ही पड़ेगा। तो वही हम और देख लेते इधर कुछ मिल जाता है। MK-47 थी बट हमारे पास कारल थी, वही ठीक थी, तो कोई नहीं ये भी ठीक है। तो उसके बाद हम चलते थोड़ा आगे, उस वाले रूम चेक कर लेते इसमें कुछ मिला हमें। यहाँ पर एक फ्रैग ग्रेनेड मिलती है तो हम उसे उठा लेते हैं, और कुछ एमओ मिलती है इस कारल की। तो इन्हें उठाने के बाद हम चलते डायरेक्ट नीचे, नीचे चलेंगे हम। तो हम चलते हैं यहाँ से नीचे, नीचे आ गए अब, नीचे कुछ लूट देखते हैं अगर कुछ मिल जाती है तो। तो कुछ लूट हमें मिलती है यहाँ पर, शॉट गन की कुछ एमओ मिलती है। तो भैया शॉट गन की एमओ हमारे पास काफ़ी हो चुकी थी, 30 क्रॉस हो चुकी थी, तो जो कि हमें आगे ज़रूरत भी पड़ने वाली है। तो यहाँ पर भी कोई बंदा नहीं दिख रहा था मुझे, काफ़ी ढूंढने की कोशिश की मैंने, और यहाँ से सिंपली यहाँ पर भी कुछ नहीं मिल रहा था। तो कुछ लूट कर लेते हैं और मिलती है तो। तो यहाँ से चलते हैं अब, हम यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर बंदे तो वैसे कोई भी नहीं है, ऊपर देख लेते एक बार कोई बंदा हो तो। ऊपर चलते ऊपर की ओर, दोस्तों बंदा तो कोई नहीं है, देख सकते हम, देख लिया हमने और कोई बंदा दिख नहीं रहा है हमें। यहाँ पर भी कोई नहीं है, मतलब आज मिल्टा बेस में कोई उतरा ही नहीं बिल्कुल भी।
न जाने क्यों नहीं उतरे, वो उनको पता है। ठीक है तो अब हम यहाँ से निकलते हैं, यहाँ पर भी कोई बंदा नहीं इसलिए हम यहाँ से सीधा कूद जाते, और ना वहाँ पर कोई सामने दिख रहा है। तो हम यहाँ से निकलने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पर हम रुकते हैं, देखते हैं यहाँ पर कुछ मिल जाता है। अगर हमें क्रॉसबो पड़ी थी लेकिन हमें नहीं चाहिए थी वो, यहाँ पर भी कोई बंदा नहीं है। तो गाइस यहाँ पर एक बंदा दिखा है हमें, ठीक है एक बंदा दिखा है जिसको कि हमें निपटाना है। तो वो इधर नहीं है सर, ये दिख गया हमें, अब इसको हम निपटाते हैं, उससे निपट गया। इसके बंदे भी शायद इधर ही होंगे बट वो दिख नहीं रहे, मुझे लगता है ऊपर है। ये बंदा पहले ऊपर जाने की कोशिश करता है तो हम समझ जाते हैं कि ये इसके जो स्क्वाड है पूरा वो ऊपर है, बट ये वापस आ जाता है ना जाने क्यों। तो इसके स्क्वाड वाले भी ना हम पे कोई रश करते हैं ना कुछ नहीं करने, इसलिए हमने कुछ नहीं किया। फिलहाल तो इस बंदे को निपटाते हैं, हम इसको पूरा ख़त्म करते हैं। तो इसको कर देते पूरा ख़त्म, ये हो गया पूरा ख़त्म। अब इसको लूट लूट लेते हैं, इसके पास लूटने जैसा तो कुछ था ही नहीं। ठीक है तो अब हम यहाँ से निकलते हैं। फिलहाल तो हमें गाड़ी की ज़रूरत पड़ेगी जो कि इधर अगर मिल जाएगी तो काफ़ी अच्छा होगा, अदरवाइज हमारी बैटरी भी कम हो गई है। तो हम यहाँ भाग रहे थे और यहाँ पर कोई गाड़ी नज़र नहीं, तो गाड़ी नहीं दिख रही थी हमारे, और हम वहाँ पर जा रहे थे। गाड़ी को उठाते और चलते हमारे दोस्तों के पास, और हम कुछ यहाँ पर सेटिंग कर लेते हैं। पी एन स्कोप हमने कर लिया ओपन और ट्राई करते हैं, सही हो गया। तो गाइस अब हम चलते हैं वहाँ पर, गाड़ी उठाते हैं तो गाड़ी के पास हम जाते हैं। हमें कोई बंदा फिर भी नज़र नहीं आता, हम काफ़ी देखने की कोशिश करते हैं पर यहाँ पर कोई बंदा होता ही नहीं है। पता नहीं आज कहाँ उतरे सारे, काफ़ी बार तो मिल्टा बेस पे ही काफ़ी बंदे मिल जाते थे। हमें बग्गी मिल चुकी है, हम बग्गी से चलते हैं यहाँ से। तो हम चलते हैं अब बग्गी से। ओ यार तो हम जाते इधर हमारे स्केट के पास, तो हम यहाँ पर आ चुके हैं। यहाँ पर हमें डासी दिख रही है, यहाँ पर बंदे भी है। तो गाइस अभी हम यहाँ पर फाइट नहीं लेंगे क्योंकि ब्रिज कैंप हो जाएगा ना, हमें ब्रिज कैंप का भी डर है कि कहीं ब्रिज कैंप ना हो जाए, कहीं बंदे ना बैठे वहाँ पर। तो हम यहाँ से डासियाँ उठा लेते हैं क्योंकि ब्रिज पर काफ़ी डर रहेगा इस चीज़ का। तो हम यहाँ से डासियाँ उठा लेते हैं, डासियाँ उठा के चलते हैं आगे। काफ़ी लेग हो रहा है मतलब बंदे है, तो हम जाते हैं ब्रिज पर। यहाँ से हमें मिल गया रोड, चलते रोड से। यहाँ पर हमें ये डर है कि यहाँ बंदे ब्रिज कैंप करके ना बैठे हो, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, हम आसानी से निकल गए। और ना यहाँ पर ना कोई बंदा था और ना कोई भी नहीं था, तो हम निकल जाते हैं यहाँ से। तो हम जाते हैं अपने टीममेट के पास। तो हम अपने टीममेट के पास आते हैं, पर ये बड़ा हरामी होता है, ये हमारी गाड़ी में नहीं बैठता। हम ले लेते हैं यहाँ से जीप ले लेते हैं, बट हम इसको काफ़ी बिठाने की कोशिश करते हैं, हॉर्न लगाते हैं, बट ये बिल्कुल ही नहीं बैठता हमारी गाड़ी में। ना जाने क्यों नहीं बैठता, वो अभी यही जानता है।
रिवर्स रिवर्स ले रहे हैं इनको बिठाने के लिए भैया जी को, बट ये भागते ही जा रहे हैं, न जाने क्यों भाग रहे हैं हमसे। तो हम वापस जाते हैं इनके पास आगे। मैं समझा भाई को समझ नहीं पाती है, तो मैंने ट्राई किया डबल से कि भैया क्यों नहीं बैठ रहे हो, तो ऊपर था ये, मैंने इसको काफ़ी हॉर्न भी लगाए कि भैया आ जा नीचे आ जा, बट नहीं बैठा ये। देखिए बिल्कुल नहीं बैठ रहा है। मैंने कहा कोई नहीं, बैठेगा तो बैठ जाएगा, वरना हम भी निकलते हैं यहाँ से। तो हम निकलने की सोचते हैं यहाँ से, तो हम निकलते हैं यहाँ से, यहाँ से भागते हैं हम। यहाँ पर वापस इसको ट्राई करते हैं, कभी बैठ जाए तो नहीं बैठता ये। ये हम जो लेकर आए तो जासिया से जाएगा भैया ये। तो भैया हमने देखा ये डासिया लेकर जा रहा है, तो हम यहाँ से निकल लिए। तो भैया हम जाते हैं अपने दूसरे टीम मेट के पास, नंबर 3 के पास। तो हम उसके पास जाते हैं, जैसे ही उसके पास जाते भैया, तो वो होता है पोचंकी में। तो हम पोचंकी क्रॉस करके निकलेंगे यहाँ से। तो फिलहाल यहाँ तो कोई बंदे नहीं दिख रहे मुझे, वरना पहले तो उनको भी, तो यहाँ तो कोई बंदे है ही नहीं। ठीक है, तो अब हम चलते और आगे जहाँ के हमें बंदे मिल जाएंगे। हम आ चुके पहुँचेंगे यहाँ पर, हमारा बंदा है जो ये राजा सामने घूम रहा है। बंदे को बैठाते हैं, बढ़िया भाई बढ़िया। चलते हैं अब यहाँ से निकल के, यहाँ पर कोई बंदे जिसको अपनी पूरी कोचिंग के साथ कर रखी थी, अभी जो कोचिंग कोची बनी हुई थी, अब हम बनाएंगे आगे आप उनकी कोचियाँ। यहाँ पर हम आगे आके तो हमें एक बंदा दिख जाता है, तो हम इसके ऊपर डायरेक्ट गाड़ी चला देते हैं, वहाँ कोई तरह फील हो जाता है। और हमारा जो टीममेट है वो सब लूट कर लेता है हमारे आने से पहले, बट हम जाते वहाँ पर उसकी पेटी लूटने। तो हम आ गए यहाँ पर उसकी पेटी लूटने। तो यहाँ पर हमें मिलता है, हमें कुछ नहीं मिलता भैया, कुछ नहीं, पहले ही लूट के चले जाता है। हमने बस उसकी एक शर्ट उठाई है। तो भैया अब हम यहाँ से चलते हैं, तो हम सस्ते दिन उसके ऊपर खड़े हैं। तो हम यहाँ पर चंडे की कोशिश करते हैं, जैसे पीछे ऊपर आसान से चढ़ा जाता है, उसके घर पर हमने भी ट्राई किया था, तो भैया नहीं चढ़ पाए थे। वैसे चढ़े आते मैं काफ़ी बार चढ़ चुका हूँ, बट इस बार हम जल्दी नहीं थे, वो हमारे टीम में ठोर लगा रहा था हमारे पास बार बार, तो भाई आ जाओ आ जाओ, क्या पगलपन की बात है। मेरे पास में क्या हो जाएगा, आप कॉन्टेन कर लिए तो ये मुबार मेरे इसको फल। अरे भैया नोक हो गए हम तो भैया। और सबसे हंसी की बात तो ये है कि हमारा जो टीममेट है वो भागे ही जा रहा था, उसको पता है कि भैया टीममेट नोक हो चुका है, जहाँ भी भागे ही जा रहा था वो, पर बेचारा वापस भी आ गया। मैंने सोचा आप तो ये आएगा, बट फिर भी आ गया वो, वो आ रहा है। मैंने सोचा उसके आने से पहले मैं नोक ना हो जाऊं, बट वो टाइम पे आ गया था और रिवाइव दे रहा था मैंने। या वो आ गया भैया बहुत ही अच्छे टाइम से, और यहाँ हमको रिवाइव दे दिया उसने।
भाई टीममेट के ना यही फायदे होते सबसे ज़्यादा कि वो हमें रिवाइव दे देते, तब हम ड्राइव करते, ड्राइव तो नहीं करेंगे हम फिलहाल। उस बंदे ने भी ड्राइव नहीं किया जब तक हमने नहीं किया, उसने बोला भाई आप ही ड्राइव करो, तो ये आप ड्राइव हम करने वाले हैं। हमने सीट चेंज करके ड्राइव किया, चलते इधर की ओर, हम इधर की ओर चलते अब हम। एक ड्रॉप आ रहा होता है जो कि हम उसकी तरफ जाने की सोच रहे होते हैं कि भैया क्या ही होता है, क्या सीन होने वाला है। दोस्तों उस सीन को देखकर आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर देगा प्लीज़, और लाइक भी कर देगा। पीछे हमारे देखिए फायरिंग हो रही है काफ़ी तगड़ी, और हम वहाँ पर जाते हैं देखते हैं क्या सीन चल रहा है भैया उधर। तो हमारे पास मेड किट भी नहीं होती पूरी, तो हम वहाँ पर जाते हैं। ये बंदा सामने में नज़र आ रहा है तो हम इसके पास ही आएंगे फिलहाल। तो यहाँ ये बंदा है तो ये बच गया भैया, तो हमें ये जाते हुए एक मिस ने हमारी एमओ मतलब एनर्जी काफ़ी कम कर दी। ये सामने दिख गया था, इसको हम निपटा थे फिलहाल, तो इसको निपटा दिया हमने, नॉक कर दिया। अब हमें एक और दिख रहा था, दो से तीन और था, इसको तो ये निपटा दिया। बट हमें एक और बंदा फायरिंग कर रहा था जो कि एक और था इसका टीममेट ही था, तो ये सामने दिख रहा था हमें, इसको भी हम निपटाते हैं अभी। इसको हमारे टीममेट ने निपटा दिया भैया, इसको इसकी लूट लेते हैं। तब तक भैया क्या बताऊँ, एक और बंदा फायरिंग करने लग जाता है और उसको मैंने देखा नहीं, ध्यान नहीं दिया इतना, और हम मैं लूट के लिए यहाँ आ जाता हूँ। तो भैया यहाँ से हम फॉरेक्स वगैरह उठा लेते हैं, तो अब यहाँ से हम वो काफ़ी फायरिंग कर रहा था तो मैंने देखा उसे, ठीक है ये सब हो गया। हमने पूरी स्कर निपटा दी दोनों ने मिलकर, और यहाँ एक और बंदा था जो कि इस पत्थर के पीछे था, मुझे पता था इसके पत्थर के पीछे, बट मैं थोड़ा आगे निकल गया, मेरा थोड़ा सा लेग हो रहा था, तो ये थोड़ी सी एमओ बची अब मुझे इसे निपटाना था, तो मैंने इसे निपटा दिया भाई। ये भी बहुत ही अच्छा सीन था, प्लीज़ इसे देख कर लाइक कर देना प्लीज़ यार। तो इसकी लूट उट लेते हैं हम, और भैया एनर्जी एनर्जी करते, हमारी स्कारल चली गई थी वापस लिया हमने इससे, करते भैया अब हम हमारे टीम में गाड़ी लेने वाले। ये शाम को लग रहा है कहीं बट चलाएगा नहीं, डियान का हमें जानी पड़ेगी मेरी गाड़ी, तो ये हम चढ़े आते सीधा इधर से इधर सीधा जाते हैं इनकी का डायरेक्ट पे गाड़ी पर जाते हैं, बट इधर से इधर जाते हैं हम कटे जाए अभी से देखा दिन को। और अलाई के बंदे टोटल वो आठ ही है भैया, आठ अलाई है लेडिया भाई, हम दिखा करना है। ये भेड़िया भैया अब हम चलते हैं, हम बढ़ते हैं गेम को आगे बढ़ाते हुए, तो चलते भैया। हमारा टीममेट कर रहा था ड्राइविंग, अब भैया हम आ गए यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें एक ड्रॉप दिखा भैया, ड्रॉप जो कि हम लूटने जा रहे थे। तो जैसे हम ड्रॉप लूटने जा रहे थे हम उस टाइम अलाइव बंदे थे पांच और तीन हम थे, तो ये दो बंदे अलाइव थे और सामने मुझे एक बंदा दिख रहा था चेस्ट ड्रॉप के साइड में, देखो काफ़ी दूर से आ रहा है। तो मैंने सोचा पहले उसे निपटाता हूँ, बट ऐसा नहीं किया मैंने, मैंने सोचा कि पहले भैया लूट कर लेते हैं वरना टीममेट सारी चीज़ें ले जाए ले लेगा, लेवल थ्री हेलमेट लेवल थ्री जैकेट सब चीज़ ले लेगा, इसलिए हमने सारी चीज़ें ले ली और हमें ड्रॉप में मिल गई ग्रोजा। भैया मैंने सोचा था कि उस बंदे को निपटाऊंगा, बट वो वहाँ उस घर के पीछे चलेगा और मैं उसके जाने ही वाला था कि भैया क्या बताऊँगा आगे आप ही देख लो। तो भैया इसने मेरे ऊपर फायरिंग की और मैंने इसको देखा नहीं और मैं सामने जा रहा था क्या, मेरे टीममेट ने इसे निपटा दिया और भैया हो गया चिकन डिनर। सो गाइस आई होप करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, एमवीपी मैं नहीं हूँ बट
आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, प्लीज़ कर देना।